गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट टाइम वी डिस्कस एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। ओके, राइट द एडजेक्टिव यूनिवर्स ऑफ हियर 5 क्वेश्चन। ओके, तो हमने ये 6 क्वेश्चन के एडजेक्टिव यूनिवर्स वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे 7 क्वेश्चन। कंपेयर -2 एंड -3 एंड 4 एंड -6 यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन से हमें इन्हें कंपेयर करना है। ये -2 और -3 को कंपेयर करना है कि विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज स्मॉलर। ओके, सो वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 7। तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले तो हमने एक नंबर लाइन बना दी। नंबर लाइन में हमने ड्रॉ कर लिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है -2 और -3, तो -2 और -3 पे सर्कल बना दिए। अब हम जानते हैं नंबर लाइन में अगर हम राइट साइड पे जाएंगे तो ग्रेटर नंबर आते हैं और लेफ्ट साइड में आते हैं तो स्मॉलर नंबर। तो हियर -3 एंड -2 से राइट साइड में कौन है? -2 है। तो -2 क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। और -3 लेफ्ट साइड में मतलब स्मॉल हुआ। तो हमने लिखा -2 इज द राइट ऑफ -3। देयर फोर -2 ग्रेटर देन -3 आर -3 स्मॉलर देन -2। तो आप ये हमारा कंपेयर हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट इसमें ही है, 4 और -6 के बीच में। तो अदर एक और नंबर लाइन बनाएंगे, -6 और -4 को हाईलाइट करेंगे कहाँ पर है। तो हमें पता है कि 4 क्या है? राइट साइड में, 6 क्या है? लेफ्ट साइड में। तो प्लस का जो 4 है वो ग्रेटर हुआ। तो हमने लिखा 4 इज़ द राइट साइड ऑफ -6, मतलब 4 जो है राइट साइड है किसके? -6 के। -6 से राइट साइड पर 4 है, मीन्स 4 क्या हुआ? ग्रेटर हुआ। 4 इज ग्रेटर देन -6 आर, या फिर हम लिख सकते हैं -6 लेस देन 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ बच्चों। तो ये आप कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो 4.3 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ। MCQ इज हियर, इट इज़ अ डायग्राम एंड डायग्राम रिलेटेड टू फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर लाइन गिवन अबव रिप्रेजेंट, मीन्स दिस डायग्राम रिप्रेजेंट हुज क्वेश्चन, मतलब किस क्वेश्चन को ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा क्वेश्चन है? जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 से एरो आ रहा है फर्स्ट टाइम डायरेक्ट 6 पर, और 6 से जा रहा है 3 पर। मीन्स 0 से 6 पर आया, -6 पे आया, मतलब कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो -6 होगा। तो -6 ए ऑप्शन में -6 फर्स्ट नंबर है, बी ऑप्शन में -6 फर्स्ट नंबर है, सी और डी में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन में -6 है, सेकंड में -6 है, तो ए और बी में से आंसर पॉसिबल है। लेकिन अब क्या हो रहा है? 6 से राइट साइड में जा रहा है कितने नंबर? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 3 टाइम्स राइट साइड में गया है। तो +3 होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड जाने के लिए प्लस होता है। तो यहाँ पे तो सेकंड नंबर -3 है और यहाँ पे सेकंड नंबर +3 है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन जो है वो इस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सप्रेटिंग -17 फ्रॉम -8 वी गेट, मीन्स यहाँ पे हमें -8 में से सब्रैक्ट करना है -17 को। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम पता करते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है। यहाँ पर है -17 फ्रॉम -8, मतलब कि सब्रैक्ट करना है, घटाना है ना। सब्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर होता है वो हमारा फर्स्ट नंबर होता है। ये आपको याद रखना है कि सब्रैक्ट वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आप -17 को आगे लिखो और -8 को पीछे लिखो, क्योंकि आपको नज़र आता है ये फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर, ऐसा नहीं। फ्रॉम के बाद वाला फर्स्ट नंबर होगा। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है -8 वो आपका फर्स्ट नंबर है। तो -8 को हम आगे लिखेंगे, तो -8 लिख दिया। उसके बाद -17 है सेकंड नंबर, तो ये माइनस का इसलिए ब्रैकेट में लिखा। तो फर्स्ट नंबर, ये आपका फर्स्ट नंबर है, ये आपका सेकंड नंबर है, तो दोनों नंबर के बीच में क्या लगा देंगे? हम माइनस लगा देंगे। क्यों? क्योंकि तो सब्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट नंबर कौन सा है? फ्रॉम के बाद वाला लिखा,
फिर सेकंड नंबर कौन सा है, माइनस 17 ब्रैकेट में लिखा और दोनों के बीच में क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। अब माइनस और माइनस जो है वो दोनों मिलकर वन सिंबल बनेगा। तो हमने बताया था जब सेम सिंबल होते हैं तो प्लस बनता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा 17। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो 8 है माइनस के, वो माइनस वा 8 जो है वो माइनस के हैं और ये 17 है वो प्लस का है, मतलब एक नंबर माइनस का और एक नंबर प्लस का है। तो जब अलग अलग नंबर वाले होते हैं, सिंबल वाले होते हैं, उनको हमेशा माइनस किया जाता है। तो 17 से 8 गया तो 9, और ग्रेटर नंबर का है प्लस का है, तो प्लस के 9 तो आगे सिंबल लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सिंबल नहीं होता है तो भी वो प्लस के होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा हमारा इस एमसीक्यू का, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा एमसीक्यू का सेकंड हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। तो इसमें हमारे पास 7 क्वेश्चन है, 7 से हम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ करते हैं, तो ऑल टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट फोर में हमारे फर्स्ट वाला प्लस का है, फिर सेकंड वाले में फर्स्ट वाला माइनस का है, सेकंड वाला प्लस का है, फिर दोनों माइनस के हैं, फिर एक प्लस एक माइनस का है। तो आप फर्स्ट फोर समझ के बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पर 4 फ्रॉम माइनस 5 है, तो माइनस 5 जो होगा वो हमारा फर्स्ट नंबर होगा, तो माइनस 5 को स्टार्टिंग में लिखेंगे माइनस 5, ओके। और 4 जो है सेकंड नंबर है, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिखा सेकंड नंबर को, हालांकि ये प्लस का है फिर भी हमने सेकंड नंबर बताने के लिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, और इन दोनों नंबर के बीच में लगा दिया माइनस। अब माइनस 5 और माइनस एक ही सिंबल है, तो माइनस का 4 रहेगा। तो दोनों माइनस के हैं, तो जब दोनों माइनस के होते हैं तो हमारे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो दोनों माइनस के सेम सिंबल के हैं, क्योंकि 5 के आगे भी माइनस है और 4 के आगे भी माइनस है, दोनों के आगे माइनस है, तो दोनों माइनस के प्लस हो जाएंगे। तो 9 और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। तो सेकंड है माइनस 9 फ्रॉम 4, तो फ्रॉम के बाद वाला फर्स्ट नंबर 4 लिखेंगे और 9 माइनस 9 ब्रैकेट में लिखा, तो 4 और माइनस 9 के बीच में क्या लगा दिया, माइनस, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। अब 4 रहेगा और माइनस माइनस सेम सिंबल हो गए, तो ब्रैकेट जब हम हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 9। अब दोनों ही प्लस के हैं, क्योंकि 4 के आगे भी प्लस है, कुछ भी सिंबल नहीं है तो प्लस, और 9 के आगे भी प्लस है, दोनों प्लस के हैं, तो प्लस प्लस 13 हमारा क्या हुआ, आंसर आ गया है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास से माइनस 9 फ्रॉम माइनस 4, तो माइनस 4 फ्रॉम के बाद है तो उसको हम आगे लिखेंगे माइनस 4। इसके बाद माइनस 9 को ब्रैकेट में लिखा, तो फर्स्ट नंबर माइनस 4 है, सेकंड नंबर माइनस 9 है, दोनों के बीच में माइनस लगा दिया क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस 4 सिंगल सिंबल है, तो माइनस 4 ही रहेगा, लेकिन 9 का आगे दो सिंबल है माइनस माइनस, तो सेम सिंबल होने के कारण क्या होगा, माइनस माइनस सेम है तो प्लस बनेगा, प्लस और फिर लिखेंगे 9। अब एक नंबर माइनस का है, ये माइनस का 4 है, और एक नंबर प्लस का है, तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दोनों अपोजिट सिंबल वाले नंबर हैं, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5, और ग्रेटर नंबर प्लस का है तो प्लस के 5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट 2 फ्रॉम माइनस 3, फर्स्ट नंबर माइनस 3, तो माइनस 3 को आगे लिखा, फिर 2 को हमने ब्रैकेट में लिखा सेकंड नंबर, और दोनों नंबर के बीच में क्या लगा दिया, माइनस। अब माइनस 3 तो माइनस 3, और 2 के आगे केवल वन सिंबल है माइनस का, तो माइनस 2 हो गया। अब दोनों ही नंबरों के आगे माइनस माइनस है, तो सेम सिंबल दोनों नंबर के क्या हो गए, सेम सिंबल हो गए। जब दोनों नंबर सेम सिंबल के होते हैं तो क्या करते हैं, प्लस करें, तो 3 और 2 5 हो गए, और ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस के 5। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन की हेल्प से सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर भी हमारे पास 7 क्वेश्चन है, तो 1 क्वेश्चन बताएंगे इनमें से, और रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे 9 फ्रॉम 4, ओके। तो इसको हम करके देखते हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है।
तो ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 9 from 4, 4 से सब्ट्रैक्ट करना है 9 को। तो क्या करना है, नंबर लाइन बनाने से पहले इसको अरेंज करो, जैसे फ्रॉम के बाद क्या है 4 है, तो 4 फर्स्ट नंबर बन जाएगा, और 9 सेकंड नंबर है तो 9 लिखा, और दोनों के बीच में क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो ये प्रोसीजर बिल्कुल वैसा है जो हम अभी कर रहे थे, प्लस माइनस मतलब लिखना उसी तरीके से है, और उसी तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, 9 के आगे माइनस है और 4 के आगे प्लस है, तो अपोजिट नंबर है तो माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गए तो 5, और ग्रेटर नंबर के आगे माइनस है तो -5। तो सॉल्व तो करना है हमें, लेकिन इस सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करना है विथ नंबर लाइन। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन से एक्सप्लेन करना है, तो नंबर लाइन बना दोगे पहले आप, पेंसिल से बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम पता है कि आंसर -5 आया है, ठीक है, तो हम -5 तक तो हमें लेना ही है, उससे आगे भी हम बढ़ा सकते हैं, और प्लस में भी हमें जहाँ तक ज़रूरत है वहाँ तक हम लेंगे। इसके बाद फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, 4 है, हमें इसको देखना है, क्वेश्चन को नहीं देखना है, क्वेश्चन को 9 मत देखिए, हमने जो अरेंज किया है उसको देखिए। तो फर्स्ट नंबर फ्रॉम के बाद 4 है, तो हम 0 से पहले 4 तक चले गए, ठीक है, +4 पे। उसके बाद सेकंड नंबर हमने लिखा -9, तो बाद वाला नंबर जो है हमारा -9 है, हमें यहाँ पे 1 सिंबल बनाना है। कभी आपका क्या होगा, माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, तो 1 सिंबल जहाँ तक नहीं बनता है तब तक आपको सॉल्व करना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन ऐसा होता है कि 4 मान लीजिए 4 माइनस माइनस 9 है ना, तो 4 माइनस माइनस क्या होगा, +9। तो अब ये 9 प्लस का हो गया, मतलब आपको और आगे जाना है, राइट साइड पे जाना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो एक सिंबल हमें बनाना है, अगर आपका पहले से एक सिंबल है तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं, जैसे यहाँ पे माइनस एक ही सिंबल है तो बनाने की आवश्यकता है ही नहीं, दो सिंबल से एक सिंबल बनाएंगे ही नहीं, यहाँ पे तो एक ही सिंबल है ना, तो बनाने दो सिंबल से एक सिंबल बनाने की ज़रूरत है नहीं। अब -9 है, मतलब माइनस मतलब कि लेफ्ट साइड में आएंगे, लेस देन करेंगे, तो 4 तक गए और लेफ्ट साइड में आ गए, तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम और 9 टाइम, तो -5 पे आ गया, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो रिमेनिंग क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है बच्चों, फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहे। थैंक यू वेरी मच।